बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन में द क्रिएशन ऑफ ए वाइड स्कोप फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअल एज वेल एज सेकुलर। सो द मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन इंडिया गोज एट लीस्ट एज फॉर एज द वेदास saw a great appeal to a large number of people. At that time, the transmission of knowledge was verbal. The number were not written, but were expressed as combination of power of 10. When the decimal place value system for written numbers come into existence, much of it was on after which older worker and discuss number that it is resemble of belief. मतलब क्या हुआ कि जो वैदिक ट्रेडिशन था उस वैदिक ट्रेडिशन में नॉलेज का ट्रांसमिशन हुआ, लोग अपील किए लार्ज नंबर में, अधिक से अधिक संख्या में लोग ने क्या किया, अपील किया, और जो नॉलेज का ट्रांसमिशन हुआ वह वर्बल फॉर्म में हुआ, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिला 10, जिससे डेसिमल प्लेस वैल्यू फाइंड किया गया वैदिक ट्रेडिशन से। अब जैन ट्रेडिशन आया, तो जैन ट्रेडिशन में क्या हुआ, इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स The Zen tradition has played a very important role. उसने क्या किया, अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। Different form of Vedic scholar, जिसमें अलग अलग प्रकार के वैदिक स्कॉलर थे। The inspiration for mathematics for Zen scholar did not come from ritual particles which were actually anathema to them, but from contemplation of the universe. In early Jain works from about the 5th century BC to the 2nd century AD, where the geometry of circuit, the arithmetic of number with large power of 10, permutation and combination. तो जो जैन ट्रेडिशन आया इससे ज्योमेट्री आया और परम्यूटेशन और कम्बिनेशन आया। जो अभी तक हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वह अभी मैथमेटिक्स का हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है। ये हिस्ट्री आपको असाइनमेंट वगैरह में दिया जा सकता है, ओके, थैंक यू। और अधिक से अधिक इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।